बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मासूमा ब्यूटी चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेस्ट रेमडी, जिसके यूजेस बहुत ही इजी हैं। जी व्यूवर्स, आज जो मैं रेमडी लेकर आई हूँ वो है फेस वाइटनिंग के लिए, और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप शुगर की मदद से अपने फेस को वाइट बना सकते हैं। जी व्यूवर्स, इस रेमडी को बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो बिल्कुल नेचुरल है और उनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो व्यूवर्स, इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, नंबर वन एलोवेरा जेल, नंबर टू शुगर यानी चीनी, इसको हमने पहले ही ग्राइंड कर लिया है, नंबर थ्री लेमन जूस। व्यूवर्स, इस रेमडी को बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। व्यूअर्स, इस रेमडी को बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल और एक स्पून। व्यूअर्स, इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे शुगर, वन स्पून हम लेंगे शुगर। व्यूअर्स, शुगर यानी चीनी की वजह से आपकी स्किन बिल्कुल यंग हो जाएगी और ये आपकी स्किन से डेड स्किन को ख़त्म करने के लिए अहम किरदार अदा करती है और ये आपके स्किन से डर्ट को भी ख़त्म करती है। जी व्यूवर्स, अब हम इसमें लेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम इसमें हाफ स्पून ऐड करेंगे। व्यूवर्स, एलोवेरा जेल भी बहुत ही अच्छी होती है स्किन के लिए, ये स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है और एलोवेरा जेल की वजह से स्किन से डार्कनेस रिमूव होती है। व्यूवर्स, एलोवेरा जेल स्किन पर ग्लो लेके आती है और पिंपल्स को भी ख़त्म करती है। अब व्यूवर्स, इसमें हम ऐड करेंगे लेमन, जो कि हमने पहले ही लेमन का जूस निकाल के रखा हुआ था, इसको हम ऐड करेंगे और वो लेंगे फुल स्पून यानी पूरा चम्मच। व्यूवर्स, इसमें हम लेमन ऐड करेंगे। व्यूवर्स, लेमन में वाफरी मकदार में विटामिन सी होता है और लेमन की वजह से स्किन पर इंस्टेंट वाइटनिंग आती है। व्यूवर्स, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने ऐसे ही इनको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई करना है, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। व्यूवर्स, मैं आपको अपने हैंड पर रब करके दिखाऊंगी। व्यूवर्स, इस ये बहुत ही कमाल की रेमडी है और इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। जी व्यूवर्स, ये सब चीज़ें नेचुरल हैं। व्यूवर्स, इसको मैं अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। जी व्यूवर्स, इसको ऐसे ही आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है और स्क्रबिंग करनी है। व्यूवर्स, जब आप फेस पर स्क्रबिंग करें तो आपने स्मूथली स्क्रबिंग करनी है, क्योंकि फेस की स्किन सेंसिटिव होती है। व्यूवर्स, इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही स्क्रबिंग करेंगे, देन मैं आपको वॉश करके इसके रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। जी व्यूवर्स, हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। व्यूवर्स देखें, अभी हमने वॉश नहीं किया और इसके रिज़ल्ट देखें इसके रिज़ल्ट। बहुत ही कमाल की रेमडी है, आप इस रेमडी को ज़रूर ट्राई किया करें। व्यूवर्स, मैं जो भी रेमडी बताती हूँ बहुत ही मेहनत से मैं रेमडी बनाती हूँ और मेरी ये कोशिश होती है कि आप भी इसको ऐसे ही यूज़ करें और बेनिफिट हासिल करें। व्यूवर्स, मैं जो भी रेमडी बताती हूँ वो बिल्कुल नेचुरल होती हैं और ये आपकी स्किन को फेयर भी बनाती हैं। जी व्यूवर्स, मैंने अभी देखें, मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये देखें, मैंने अपना हैंड वॉश किया था और आप इसके देखें रिज़ल्ट। जी व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रेमडी को वीक में एक बार या दो बार यूज़ ट्राई करें। व्यूवर्स, आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।